हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एम्पलीफायर कनेक्शन। तो पिछली वीडियो में मैंने 4440 के जो कनेक्शन वगैरह थे वो मैंने आपको बता दिए थे, और इस वीडियो में मैंने इसके ऊपर लगा है 10,000 माइक्रोफेड का पचहत्तर वोल्ट का कैपेसिटर, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कमेंट किया था कि भाई क्या 4440 के अंदर हम 10,000 माइक्रोफेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर लगाया है, आप देख सकते हैं, और इसकी मैं साउंड टेस्टिंग भी करवाने वाला हूँ अभी इसी वीडियो में, ठीक है। तो इसके कनेक्शंस वगैरह आप देख सकते हैं, मैंने करके कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था वैसे वैसे ही इसके कनेक्शन हैं। तो अभी साउंड करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है साउंड में ये कैपेसिटर लगाने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मैं इसकी थोड़ी सी साउंड टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। और ये थोड़ा काफ़ी पुराना स्पीकर है, इस पे ही साउंड टेस्ट करवा के दिखाऊंगा मैं आपकी। देख सकते हैं मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं वायर के, ठीक है, और ये यहाँ से जाके यहाँ इस बोर्ड में अटैच हो चुके हैं, ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलो इसे अभी बजा के देखते हैं। सबसे पहले मैं इसके जो मेन तार हैं वो जोड़ लेता हूँ एक बार, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ये हमिंग आ रही है ना, ये इसलिए आती है, एक तो आप बोर्ड को ट्रांसफार्मर से दूर करें, और जो वायर होती है ना, ये जो हमारी ऑडियो इनपुट की वायर होती है, मैंने ये काफ़ी लंबी लगाई है, आप हो सके तो इसको पोर्टेबल लगाएं, और जो इसके पोटेंटियोमीटर होते हैं उनके ग्राउंड को एक साथ कनेक्ट करके रखें सभी का ग्राउंड को, ठीक है। बाकी हमिंग के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ये खाली मैंने साउंड टेस्टिंग के लिए वीडियो बनाई है। और आप देख सकते हैं जब मैं इसको टच करता हूँ तो हमिंग थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, तो अभी के लिए मैं इसकी साउंड टेस्ट करवाता हूँ आपको कि कैसी साउंड है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपने देखा कि काफ़ी अच्छी साउंड है, पहले से बेटर साउंड क्वालिटी दे रहा है। जो फटने की प्रॉब्लम होती थी वो ज़्यादातर सोल्व हो चुकी है, लेकिन हालांकि अभी भी फट रही है साउंड, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्पीकर है आईसी के मुकाबले, ठीक है, इसकी आउटपुट के मुकाबले काफ़ी बड़ा स्पीकर है। लेकिन इम्प्रूवमेंट हुई है कैपेसिटर लगाने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी प्लेट पर इतना बड़ा कैपेसिटर कुछ अच्छा सा नहीं लगता। अगर फिर भी आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, ये नहीं है कि आईसीज वगैरह ख़राब होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप 10,000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर आसानी से लगा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।